ओके, तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था ना पिछली बार। यस सर। तो क्या देखा था, एक तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है, एंड एक एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब राजाओं का राजा, सम्राट। एब्सोल्यूट मिनिमा उसमें जो सबसे खराब हो, ठीक है। उसके बाद आता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो अरे लोकल मैक्सिमा एब्सोल्यूट जहां पे डी मिनिमा वाई को बाई डी एक्स ग्लोबल जीरो, मिनिमा राइट। भी कहते हैं क्या करें सौरभ? सर। एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा को ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा भी बोलते हैं हाँ, ना। ग्लोबल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम का ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल भी मिनिमा होता है, दैट इज व्हाई इसको लोकल कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ होगा, जहां पे डीवाई बाई डी एक्स जीरो। अच्छा एक मिनट, अगर असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ गया कि फॉर ए फंक्शन एफ एक्स एट ए पॉइंट सी, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, तो देयर मस्ट बी ए मैक्सिमा और मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी। बताइए इसको आप ट्रू बोलेंगे या फॉल्स? फॉल्स। मैं एक बार लिख देता हूं। तो फॉर ए फंक्शन एफ एक्स एट ए पॉइंट सी, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, देन एट एक्स इक्वल टू सी देयर इज आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। और ये तो हो गया assertion, रीजन भी कुछ होगा, ठीक है, कि फॉर ऑल द मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो बताइए इसका आप क्या आंसर देंगे, कि ये इट इज ट्रू फॉल्स, assertion इज ट्रू है या फॉल्स है, बोलिए। तो ये हो गया फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, अच्छे में बता रहा, क्यों फॉल्स होगा, मैं फॉल्स तो बता दिया। आंसर है कि अगर उसने मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो एफ डैश सी जीरो होगा, लेकिन एफ डैश सी जीरो है तो गारंटी नहीं है कि मैक्सिमा या मिनिमा हो। क्यों? एक तीसरी चीज निकल के आती है, बताइए उसका नाम क्या है। पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ, इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन बोलो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब यह हो गया कि बढ़ते 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 आया, कुछ देर के लिए आराम किया और फिर बढ़ने लगा, या घटते 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 आया, कुछ देर आराम किया और फिर घटने लग गया, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि मान लो कि एक कर्व है इस टाइप का, ठीक है। तो इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या है, जीरो है ना, जीरो है। लेकिन यहां तो मैक्सिमा नहीं है ना, इससे बड़ी इधर वैल्यू है, यहां तो मिनिमा नहीं है ना, इससे छोटी वैल्यू इधर है, बट इस पॉइंट पे अगर आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो वो चीज जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे स्लोप तो ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, और स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा तो जीरो होगा। तो मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो स्लोप पक्का जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा इसका मतलब डीवाई बाई डी एक्स। तो मैक्सिमा या मिनिमा जहां पे होगा वहां पे डीवाई बाई डी एक्स पक्का जीरो, लेकिन डीवाई बाई डी एक्स जीरो है तो जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा या मिनिमा, मतलब रिवर्स जरूरी नहीं है। और हमेशा आपको जो असर्शन रीजनिंग जो पे जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो जो आपको पकड़ेगा वो इसी पॉइंट पे पकड़ेगा, क्योंकि जनरली बच्चे अलटन पलटन सेम समझ लेते हैं कि अच्छा मैक्सिमम पे एफ डैश वो डिवाइड बाय एक्स जीरो है, जहां पे डिवाइड बाय एक्स जीरो होगा वहां पे मैक्सिमम होगा, नहीं। एक पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि बस वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, बढ़ते जा रहा था, थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, सही करो ना पंकज। तो बढ़ते जा रहा है, एक पॉइंट पे कुछ देर रेस्ट किया, रेस्ट के बाद फिर बढ़ने लग गया, तो मैक्सिमा नहीं हुआ ना, वो तो बढ़ते ही जा रहा था, अभी भी बढ़ रहा है, बस रुका थोड़ी देर। या घटते जा रहा है, थोड़ा देर के लिए रेस्ट किया और फिर घटने लग गया, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे होता है, जहां पे एफ डैश एक्स जीरो होता है और एफ डबल डैश एक्स भी जीरो। तो मान लो एफ डबल डैश एक्स निकाला, वो भी जीरो हो गया, तो अब कैसे पता चलेगा भाई कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या मतलब क्या नहीं है, क्योंकि उल्टा भी हो सकता है।
हो सकता है कि एफ डबल डैश एक्स जीरो और फिर भी मैक्सिमा या मिनिमा हो। अरे ये तो सर और टेंशन दे दिए कि हम समझ रहे थे कि एफ डबल डैश एक्स जीरो होगा तो वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हो जाएगा। देखो जब भी एफ डबल डैश एक्स जीरो होगा ना तो वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालो एफ डैश, जैसे मान लो कि फाइव पे अगर जीरो हो रहा है तो एफ डैश एक्स की साइन देखो फाइव से जस्ट पहले और फाइव के जस्ट पहले, फाइव माइनस और फाइव प्लस पे क्या करो एफ डैश एक्स का साइन दे दो। अगर दोनों पॉजिटिव आ गया और या दोनों नेगेटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है, ठीक है, बता रहा हूं डबल डेरिवेटिव को लेते हैं, ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव भी जीरो हो ना तो फिर क्या करो साइन चेक करो किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालो। अगर दोनों पॉजिटिव है मतलब फाइव पे मान लो कि एफ डैश एक्स भी जीरो है और एफ डबल डैश एक्स भी जीरो है फाइव पे, तो फिर फाइव से जस्ट पहले एफ डैश एक्स का साइन देखो और फाइव के जस्ट बाद एफ डैश एक्स का साइन देखो, ठीक है। अगर क्या हो गया दोनों पॉजिटिव आ गया या दोनों नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब फाइव पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब सौरभ पंकज ने पूछा है सर कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट को निकालते हैं, आनंद लेट हो गया थोड़ा सा, लेट मत हुआ करो, लेट मत हुआ करो पंकज। चलिए देखिए बताओ पहले बताओ, ये देखो आपका ये जो ब्लू है वो क्या है टेंजेंट है, टेंजेंट है ना, और ग्रीन मतलब क्या है मैक्सिमा से पहले और मैक्सिमा के बाद टेंजेंट है, यहाँ पे देखो ऐसा। तो डी बाई डी एक्स क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व, ठीक है ना, कर्व पे कोई पॉइंट किस रेट से चेंज हो रहा है, तो डी बाई डी एक्स की हालत किसकी है, मतलब ये जो टेंजेंट बता रहा है। अब मैं टेंजेंट का रेट ऑफ चेंज देख रहा हूँ कि भाई साहब टेंजेंट पहले पॉजिटिव है फिर जीरो हुआ फिर नेगेटिव हुआ, तो दो टेंजेंट है वो किस रेट से चेंज हुआ है। आप ऐसे समझो कि एक कंपनी में 200 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके, हर 20 बंदों पे मैंने एक मैनेजर रख दिया तो 10 मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। तो मैनेजर क्यों रखा है, क्योंकि कोई बंदा ढील से काम नहीं करे, वो एकदम टाइट रखेगा, वो रिपोर्ट लेते रहेगा कि हाँ भाई क्या काम किया, ये क्या हुआ, कितने बजे आया, कितने बजे गया, लेट तो नहीं हुआ, चलो अटेंडेंस रिकॉर्ड दिखाओ, ये सारी चीजें वो मैनेजर करेगा। अब पता चला कि मैनेजर ही ढीला निकल गया तो फिर तो 20 आदमी को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रख दूंगा कि भैया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तुम्हारा काम है ये 20 मैनेजर का काम ये करना, ठीक है। तो ये समझ लो कि ये जो है ना ये इम्प्लॉय ये कर्व, ये बंदे है 200, इनके ऊपर एक मैनेजर रख दिया टेंजेंट। अब मैं टेंजेंट का देख रहा हूं एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कि टेंजेंट का कैसे काम कर, क्योंकि मैनेजर भी तो सुस्त पड़ सकता है ना, तो डी बाई डी एक्स कौन है मैनेजर, तो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज देख रहा हूं, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज देख रहा हूं। तो रेट ऑफ चेंज यहां पे है पॉजिटिव, यहां पे है जीरो, यहां पे नेगेटिव, तो मैं देख रहा हूं कि जो मेरा टेंजेंट है यानी कि जो टेंजेंट कहूं इनडायरेक्टली डी बाई डी एक्स वो किस रेट से चेंज हो रहा है। तो कर्व वाई कैसे चेंज हो रहा है, तो ये तो डीवाई बाई डी एक्स बता रहा है, और डीवाई बाई डी एक्स कैसे चेंज होगा तो ये बताएगा ऐसे। तो देखो जहां भी मैक्सिमा है पहले पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, तो पॉजिटिव से घटते घटते जीरो हुआ, जीरो से घटते घटते नेगेटिव हो गया, इसका मतलब जो टेंजेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि लेस देन जीरो। क्योंकि देखो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो निकालोगे ना पंकज, तो वो तो मैक्सिमा पे भी आएगा और मिनिमा पे भी आएगा। तो मान लो कि तुमने डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो किया, वो पांच जगह आ गया। अब उस पांच जगह में हो सकता है कि दो जगह मैक्सिमा तीन जगह मिनिमा हो, तीन जगह मिनिमा दो जगह मैक्सिमा हो, तो ये कैसे पता चलेगा कौन सी जगह पे मैक्सिमा कौन सी जगह पे मिनिमा है, तो वो डबल डिफरेंशिएशन निकाल रहा है। और डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा और नेगेटिव है तो मैक्सिमा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मैक्सिमा पे पॉजिटिव जीरो नेगेटिव मतलब घट रहा है, तो घटने का मतलब लेस देन जीरो, और जहां पे मिनिमा है देखो ना स्लोप पहले क्या है नेगेटिव, 90 ज्यादा है तो नेगेटिव और फिर जीरो और फिर पॉजिटिव, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब वही काम देखो यहाँ पे हमने किया था, मैक्सिमा मिनिमा निकालना था, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला, इसको इक्वल टू जीरो किया, दो एक्स पे जीरो आ गया, फिर अब कौन से एक्स पे मैक्सिमा है और कौन से एक्स पे मिनिमा, तो फिर डिफरेंशिएट किया, ठीक है, और फिर डबल जो डिफरेंशिएशन आया टू पे रखने पे अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा और थ्री रखने पे नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा,
फिर उसके बाद हमने देखा था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, फिर ये सेम क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, एक पॉइंट क्लोजेस्ट टू द पॉइंट, तो हमने ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी देखा था इसमें, ठीक है, कि सीधा कर्व में पुट करके देख लो, अगर सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको सीधे उड़ा दो, और बाकी जो दो बचा उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, इससे डिस्टेंस निकाल लो, उनमें जो छोटा डिस्टेंस आया वो आंसर होगा, ठीक। सेम क्वेश्चन ये भी था, उसके बाद सौरभ ने यह क्वेश्चन पूछा था। तो देखो जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन को इक्वल टू जीरो रखते हैं, उसको सोल्व करते हैं, जो एक्स की वैल्यू आती है, एक आए दो आए दस आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन को इक्वल टू जीरो किया, उसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाला, करेक्ट निकाला ना, अब सिंपली फिर डबल डिफरेंशिएशन निकाला, ठीक है, या डबल डिफरेंशिएशन निकालने की जरूरत नहीं, सीधे हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो अब जब भी एक इंटरवल में दिया हुआ हो तो देखो ना, पिछली बार भी बताया था, इस टाइप का अगर पूछे, ठीक है, और क्या आपसे मैक्सिमा या मिनिमा यहां से लेके यहां तक निकाल पूछा जाए, इस ग्रीन इंटरवल के बीच में मैक्सिमा या मिनिमा पूछा जाए, ठीक है, ये तो एक दूसरा करो, मान लो इस टाइप को कोई करोगे तो आप डीवाई बाई डीएक्स निकालोगे जीरो, तो यहां आएगा यहां आएगा यहां आएगा यहां आएगा, तो आप तो मैक्सिमम वैल्यू ये बता दोगे, लेकिन उस पूरे इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये पॉइंट ऊपर है, आप मिनिमम वैल्यू क्या बताओगे, ये बताओगे, लेकिन उस पूरे कर्व में मिनिमम वैल्यू कौन है, ये है, तो ये पकड़ में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, ये क्यों नहीं आएगा पकड़ में, क्यों, क्योंकि वहां पे डीवाई बाई डी एक्स जीरो है ही नहीं। तो जब भी एक सर्टेन इंटरवल में हो तो जहां से स्टार्ट हो रहा और जहां से एंड हो रहा हो, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट मैक्सिमम, क्योंकि देखो अभी क्रॉस करते हुए जा रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है, वो तुम्हारे रेंज से बाहर चला गया, लेकिन ये तो चूंकि यहाँ पे तो टेंजेंट क्या है, जीरो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना, वो तो जीरो नहीं हो पाएगा। तो जब भी एक इंटरवल दिया जाए तो जो भी आपका डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करने से जितने एक्स आए, उसके अलावा एफ ऑफ जीरो भी निकालना है और एफ ऑफ थ्री भी निकालना है। एफ ऑफ जीरो निकाला तो 25 आया, एफ ऑफ थ्री लगाया तो 16 आया। तो अब मुझसे अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा तो मैं ये बताऊंगा और मिनिमम पूछा जाएगा, समझ में आया, यस और नो, ठीक है। तो पहले इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं और फिर जो 10th क्लास में आपने पढ़ा है सरफेस एरिया वॉल्यूम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, अभी मैक्सिमम मिनिमम पे नहीं हुआ है तो उसको देखते हैं, एक क्वेश्चन बस पिछली बार जैसा, और फिर क्या करेंगे, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टाइप के क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक क्लोज इंटरवल मैक्सिमम मिनिमम चाहिए ना, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस एक्स ऑन, ट्राई करो तो, क्या प्लस कर दूं, क्या माइनस हो सकता है, कंफ्यूजन हो, एक्स प्लस साइन टू एक्स कर दो, चलो और थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, एफ एक्स इक्वल टू लिख लो एक्स प्लस साइन टू एक्स, तो जीरो से टू पाई के बीच में एक्स प्लस साइन टू एक्स का क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम का क्या तरीका है,
डिफरेंशिएशन करो, इक्वल टू जीरो करो, जो एक्स आएगा वो भी निकालो, लेकिन चूंकि ये आर नहीं है तो हो सकता है कि जहां से स्टार्ट हो रहा हो वहीं पे मैक्सिमा मिनिमा हो और जहां पे एंड हो रहा वहां पे भी एक मैक्सिमा मिनिमा हो, कि जितने भी ऐसे उथल पुथल है उन सबसे बड़ा वो, लेकिन वहां पे डिफरेंशिएशन जीरो नहीं। तो एक बार एफ जीरो भी निकालना पड़ेगा और एफ टू पाई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट कीजिए, चलिए सोल्व करो और फिर उसके बाद हम लोग आ जाए उस पर। सर दो पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है और एक पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है। सर कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है? सर जीरो पे और टू पाई पे मैक्सिमा आ रहा है। यस सर, लेकिन टू पाई पे तो एक्स भी टू पाई हो जाएगा ना, तो जीरो और टू पाई में तो आई डोंट थिंक कि दोनों पे आंसर सेम होगा। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। सर ये क्वेश्चन पहले अलग था क्या? एकदम इजी पढ़ा गया आपको सर, मैंने कोई दूसरा क्वेश्चन कर दिया। हाँ मैंने चेंज किया ना थोड़ा क्वेश्चन, x + sin 2x किया। ठीक है बताओ कृष्ण आंसर बताइए। और बच्चों थोड़ा सा आप लोग लेट हो जाते हो, आज 5:35 तक ज्वाइन किया आप लोग, 38 तक कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया, ऐसा मत करो, एकदम टाइम होते ही ज्वाइन कर लिया। आनंद आज आप लेट हो गए, निकिता आप भी लेट हो गए थोड़ा, क्यों? एफ डैश एक्स क्या होगा? एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ठीक है बोलो डिफरेंशिएशन क्या होगा? अरे बच्चों, और साइन टू एक्स का, और आगे क्या लग जाएगा? यही ना, ठीक है। तो एफ डैश एक्स cos 2x माइनस 1 बाई 2 कहाँ पे होगा बताओ? हेलो, x बिलोंग आपको कहां से कर रहा है? 0 से 2 पाई। बोलो बोलो कहां पे होगा? यार 2x छोड़ो, आप सिंपली मुझे थीटा बताओ, cos थीटा माइनस 1 बाई 2 कहां कहां पे? बोलो cos थीटा माइनस 1 बाई 2 कहां कहां पे? सर 120 पे, 120 पे, और दो जगह होगा ना, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव और इसमें, दो जगह कॉस नेगेटिव हो रहा है ना। तो एक देखो ना, 180 से क्या करो, पहली बात कॉस थीटा हाफ कितने पे होता है ये सोचो, कॉस थीटा हाफ कितने पे होता है बोलो? 60। तो 180 से 60 माइनस, क्योंकि 90 से 60 प्लस करोगे ना तो 90 केस में चेंज हो जाता है, कॉस से साइन हो जाएगा, तो जब भी सेम रखना हो तो 180 से चेंज करो। तो 180 माइनस 60 तो 120, और 120 180 प्लस 60 तो कितना हो गया? 240। तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई, तो 2 पाई बाई 3, और इसको पाई बाई 180 तो कितना हो जाएगा इंटू पाई बाई, तो 4, और ये कितना हो जाएगा 3, 4 पाई बाई 3। तो ये दो केस में पॉसिबल है कि जब मेरा 2x क्या हो 120 तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, और कितना हो 180 में 60 जोड़ो तो 240, तो x इंटू पाई बाई 180, तो 240 और 180 छोड़ो छोड़ो 4 पाई बाई 3, तो x कितना हो जाएगा वो 2 इधर आएगा, तो पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3, और x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो x अगर हम इतना रखेंगे तो 1 प्लस cos 2x कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। अब इस पे बताना है मैक्सिमम मिनिमम, एफ डबल डैश एक्स एक बार निकाल, है ना। तो एफ डबल डैश एक्स आपका क्या होगा बच्चों बताओ? एफ डैश एक्स वन तो जीरो, टू तो अपनी जगह पे है, कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन टू एक्स, साइन टू एक्स, और एक बार टू और इनटू टू मल्टीपल में वो कितना हो जाएगा? फोर। अब सिंपली साइन टू एक्स का देखो, तो एफ डबल डैश एक्स एक बार किस पे निकालेंगे? x इक्वल टू पाई बाई 3 पे, माइनस 4 साइन 2 पाई बाई 3, यानी ये कितना हो जाएगा 120। तो हमें वैल्यू से तो मतलब है नहीं, सिंपली मैं लिख रहा हूँ साइन 2 पाई बाई 3। तो साइन 2 पाई बाई 3 मतलब यहाँ पे 180 पुट करूंगा तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है,
तो ये पॉजिटिव, आगे माइनस हो तो कितना हो गया लेस देन जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम। और सेम बताओ एफ डबल डैश एक्स कौन एक्स इक्वल टू किस पे 2π/3 पे, तो वो कितना हो गया माइनस 4 साइन और 2 × 2π/3 यानी कि 4π/3, और ये कितना हो जाएगा 3, 18, 60 और 240, 180 से पार निकल गया ना, तो मतलब नेगेटिव, और ऑलरेडी नेगेटिव यानी के पॉजिटिव, यानी के ग्रेटर देन जीरो तो क्या हो जाएगा मिनिमम। अब चार वैल्यू आई पाई बाई थ्री 2π/3, इसके अलावा और किस किस पे निकालना है 0 और 2π, 2π, तो चार जगह वैल्यू निकालनी है। तो बस हालांकि डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं होती है, आपको ये पता चल गया ना तो आपको पता है कि इस पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, आपको पता है कि इस पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा, इस पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा, इस पे मैक्सिमम। तो सिंपली जब एक क्लोज इंटरवल दिया हो तो एफ डबल डैश एक्स मत निकालो, आपको मैक्सिमम या मिनिमम तो बताना ही है ना, तो अपने आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे और जो आंसर आएगा वहीं से कंपेयर कर लेंगे ना। मैंने इन दोनों को पुट किया, दो आंसर आया, इन दोनों को पुट किया, दो आंसर, उन चारों में जो सबसे बड़ा हो गया वो मैक्सिमम और जो सबसे छोटा हो गया मिनिमम। तो कायदे से इसकी जरूरत वैसे नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम फॉर्मेलिटी के लिए निकाल देते हैं। चलो बोर्ड एग्जाम हो, बच्चे को लगता है कि यार पता नहीं टीचर को कैसा लगेगा कि इसने तो डबल डिफरेंशिएशन निकाला ही नहीं, कि स्टेप मार्किंग नंबर ना काट ले, एमसीक्यू में उतना करने की जरूरत नहीं है। अच्छा पंकज कह रहे हैं सर संडे वाले टेस्ट का लिंक ओपन नहीं हुआ, तो देखो कभी भी अगर टेस्ट का वो लिंक ओपन नहीं हो तो वो एक मैम है जो टॉपअप रिमाइंडर डालती रहती है ना कि हाय बच्चों स्टूडेंट्स आई होप यू हैव डन द टेस्ट, उनको मैसेज कर दो। और मान लो कि उनको नहीं कर पाओ तो मैं संडे को एक्टिव रहता हूँ स्पेशली बच्चों की हेल्प करने के लिए, तो मुझे मैसेज कर दो कि सर लिंक ओपन नहीं हो रहा है या इस टाइप का इशू हो रहा है या मेरा टेस्ट सबमिट हो गया। एक बच्चे का तो ऐसा हुआ था कि उसने टेस्ट ओपन किया और उसका फोन बंद हो गया, बैटरी नहीं रहा होगा तो पहले ही चार्ज कर लेना चाहिए था, तो लेकिन मान लो कि चलो फोन चार्ज नहीं था, तो वो जैसे ही आप लॉग इन करके पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना आपका टाइमर शुरू हो जाता है, बाकी कुछ भी वो एक घंटे के बाद ऑटो सबमिट हो जाता है। तो उसने कहा सर मेरा तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो अलग से उसको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया और गूगल फॉर्म पे बच्चे ने टेस्ट दिया और फिर उसका सबमिशन हुआ और उसका रिजल्ट भी। तो कोई भी इशू हो पंकज तो तुरंत मुझे मैसेज कर दीजिए या जो काउंसलर मैम है ऋतु वो बार बार रिमाइंडर मैसेज डालती रहती है उनको मैसेज कर, ठीक है। चलो तो चारों फटाफट निकाल दो। एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 0 + sin 0 तो कितना हो गया 0। एफ ऑफ पाई बाई थ्री तो x की जगह कितना हो जाएगा पाई बाई थ्री प्लस साइन कितना है 2x है ये x है साइन 2x है तो 2π/3 तो पाई बाई थ्री और 2π/3 कितना हो जाएगा 3 वो 120 और साइन 120 कितना हो जाएगा 1/2 ठीक है साइन 2π/3 तो ऑफ कोर्स मिनिमम पे मिनिमम आएगा तो ये हुआ है 2π/3 और प्लस साइन 4π/3 तो ये कितना हो गया आपका 6 = 24 = 240 ना तो 180 + 60 180 निकल गया आपका तो -60 तो -√3/2 2π/3 है ना -√3/2 और f of 2π तो 2π + sin 4π और sin तो कितना भी पाई हो 0 ही होता है 2π ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम की बात आएगी तो पाई बाई थ्री से तो ये बड़ा ही है ना पाई बाई थ्री प्लस कितना हो गया 2π/3 तो 2π/3 और हाफ में कौन बड़ा होगा अगर मैं इधर कर लू तो 4/3 अच्छा एक मिनट देखना ये अगर इधर आ जाए तो कितना होगा 3/4 पे बच गया पाई तो ये बड़ा होगा ना एक मेरे पास पाई बाई थ्री प्लस हाफ और एक है 2π और इसको इससे माइनस कर दू इसमें कितना हो जाएगा 3/6 5π/3 अब पाई से गुना हो रहा है 5 में तो पाई वैसे ही कितना है 3.14 और उसको 1 से ज्यादा कर रहे तो यही बड़ा होगा ठीक है तो बड़ा कौन हो गया 2π और मिनिमम वैल्यू कितना हो गया बताओ हेलो तो मैक्सिमम कौन है 2π पे और मिनिमम कितना आया 0 पे तो हालांकि देखो इस पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बन रहा है
लेकिन इस पूरे इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी इसकी वो आएगा जीरो, जो कि जीरो पे आएगा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो टू पाई, जो कि टू पाई पे आएगा। क्यों? ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा। तो ये है मेरा जीरो और ये है मेरा टू पाई। तो टू पाई पे तो मेरा वो क्या है, डिफरेंशिएशन जीरो नहीं हो रहा है। डिफरेंशिएशन तो यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, लेकिन टू पाई पे सबसे बड़ा है। जीरो पे तो डिफरेंशिएशन जीरो नहीं हो रहा है ना, बट जीरो सबसे छोटा है। जब भी क्लोज इंटरवल हो इन दोनों पे एक बार चेक कर, कुछ ना कुछ एक ना एक फंसी जाता है, एक मैक्सिमा या मिनिमा फंसी जाएगा, पक्का फंस जाएगा। तो ध्यान रखिएगा क्लोज इंटरवल का। ओके डन सर। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला आएगा तो सर क्या क्या सौरभ सर सर ट्रिग्नोमेट्री वाला आएगा तो बिना डिफरेंशिएशन करके डायरेक्ट कर सकते हैं वो। देखिए अगर अगर आपको ग्राफ का पता है ना तो वो सबसे बढ़िया। जैसे मुझे पता है x प्लस साइन टू एक्स क्या, जैसे देखो अगर y इक्वल टू x, तुम नॉर्मल सी बात मानो y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x ग्राफ ऐसा होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। यस सर ठीक है ना। अब उसमें देखो इधर बताता हूँ, y इक्वल टू x ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। अब उसमें क्या है, y इक्वल टू x ना होकर के प्लस साइन टू एक्स है, तो साइन टू एक्स क्या कर लेगा x का ज्यादा से ज्यादा, साइन टू एक्स ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा प्लस वन कर लेगा। बहुत अगर अच्छी वैल्यू आ गई साइन टू एक्स की तो प्लस वन कर देगा, और बहुत अगर दुश्मनी हो गया तो माइनस वन कर देगा। तो ये तो बढ़ते ही जा रहा था ना, y इक्वल टू एक्स तो बढ़ते जा रहा था, तो कहीं कहीं पे साइन टू एक्स उसको नीचे खींचेगा और कहीं कहीं पे बूस्ट करेगा। तो नीचे खींचेगा तो एक से ज्यादा खींच नहीं पाएगा, तो थोड़ा डाउन हो जाएगा। पुश भी करना चाहेगा तो एक, तो इसलिए क्या होता है कि y इक्वल टू एक्स प्लस साइन टू एक्स ना थोड़ा सा ऐसे लहराते हुए जाता है, ठीक है ना, कि जहां पे खींचेगा थोड़ा कम हो गया, जहां पे बढ़ाएगा थोड़ा ज्यादा। तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंशिएशन जीरो होगा, लेकिन मेन क्या है, y इक्वल टू एक्स, एक्स ही डोमिनेटिंग है ना, तो वो मुझे पहले से ही पता है। जो प्ले विथ ग्राफ बुक पढ़ के रखेगा ना, वो जैसे ही देखेगा कि y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, तो भाई असली पावरफुल तो x है, तो y इक्वल टू साइन एक्स ऐसा होता है, तो वो भी बढ़ता ही जाएगा। बस कहीं पे हल्का डाउन होगा और कहीं पे हल्का बढ़ेगा, लेकिन उसका जो झुकाव है वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा। तो नो डाउट इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बड़े पे बड़ी वैल्यू आएगी और छोटे पे छोटी वैल्यू आएगी। तो ये क्वेश्चन मुझे दिया जाएगा ना, तो बिना किसी ताम झाम के बिना सोल्व किए बता दूंगा। सुनो, जीरो पे मिनिमा और टू पाई पे मैक्सिमम, क्योंकि असली पावरफुल तो ये है ना। अब टू पाई पहले ही आ गया, अब ये प्लस है कि माइनस है क्या फर्क पड़ता है भैया, जब टू पाई ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया तो तुम थोड़ा उसको माइनस करके ही क्या कर लो। तो टू पाई पे ही मैक्सिमा होना था और जीरो पे ही मिनिमा होना था। तो ट्रिगोनोमेट्री भी हो ना, अगर उसमें अलजेब्रा मिक्स हो तो इस टाइप के देख लेना चीजें। साइन कॉस ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं किसी फंक्शन में। हाँ वही टैन हो तो टैन बाहुबली हो, माइनस इन्फिनिट तक जाता है और प्लस इन्फिनिट तक जाता है, तो उसमें फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और करना, जैसे मान लो क्वेश्चन नहीं तो फंडा बता कि जो एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और जो जी एक्स है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों अलग अलग। जैसे मान लो कि ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है, ऐसा कुछ है। एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, तो मैं एफ के अंदर दूसरा वाला फंक्शन डाल दू, मतलब एक नया फंक्शन बनाऊ एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि इस फंक्शन को उठा करके उस फंक्शन के अंदर पुट कर दिया। ये आपको पता ही है, रिलेशनल फंक्शन पढ़ चुके हो। या मैं जी के अंदर एफ को डाल दू, तो अब ये किस टाइप का होगा, ये इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा बताओ, सोचो थोड़ा। एक क्वेश्चन आ चुका है ए ट्रिपल में ऐसा, मतलब जे मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन की आप उम्मीद कर सकते हो, बताइए। तो सुनो इसका सबसे, मतलब बुक वाले देते हैं रटने के लिए, ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा। अरे यार बच्चे पे ऐसे ही रटने के लिए इतनी चीजें हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, जबरदस्ती रटने की चीजें मत दिया। तो सिंपली देखो, इंक्रीजिंग हो ना तो उसको प्लस की तरह काउंट कर, और डिक्रीजिंग हो तो उसको माइनस की तरह काउंट कर। अब जिसको जिसमें पुट किया उससे मतलब नहीं है, नॉर्मल जो अलजेब्रा का साइन होता है उस तरह से देखना। यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स है, तो एफ क्या है, ओवरऑल तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ, नेगेटिव। तो नेगेटिव आया, इट मींस क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन।
सिंपली जी क्या है नेगेटिव, एफ क्या है पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या जाएगा नेगेटिव, पी क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। समझ में आया? अगर मान लो कि दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब दोनों इंक्रीजिंग होता, तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एफ ऑफ जी एक्स भी पॉजिटिव या जी ऑफ एफ एक्स भी पॉजिटिव, दोनों मान लो नेगेटिव होते, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों मिलकर क्या हो जाता प्लस, तब भी इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तब भी क्या हो जाता प्लस। सिंपली अगर दोनों इंक्रीजिंग है या दोनों डिक्रीजिंग है, दोनों क्या हो इंक्रीजिंग या दोनों डिक्रीजिंग, तो फॉग और गॉफ दोनों क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, और एक अपोजिट हो, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, तो फॉग निकालो कि गॉफ निकालो फर्क नहीं पड़ता, कौन बाहर है कौन अंदर है कोई मतलब, तो एक इंक्रीजिंग हो और दूसरा डिक्रीजिंग हो तो फॉग हो या गॉफ हो डिक्रीजिंग, और दोनों सेम हुए तो इंक्रीजिंग। समझ में आया? एक क्वेश्चन पूछ चुका है इसमें, गॉट इट, याद रहेगा बच्चों? यस सर। चलो अब आ जाते हैं किस पे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टाइप, ठीक है, उसके क्वेश्चन अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा था ना कि मैक्सिमा मिनिमा का रियल लाइफ में बहुत ज्यादा क्या है यूजेस है, ठीक है, अब वो कैसे कैसे क्वेश्चन देगा। अच्छा एक और शॉर्टकट बता देता हूँ, सुनो, अगर कोई नंबर जैसा बात करे, एक मिनट, हेलो, अगर नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, उसको कराने का कोई मतलब भी नहीं है, मैं बस शॉर्टकट बताता हूँ क्वेश्चन, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को आता होगा, बहुत ही अच्छे से आता होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताता हूँ और शॉर्टकट बता दू, क्वेश्चन मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24, ठीक है ना, find x y such that x y is maximum, दो नंबर का सम 24 है तो कुछ भी पॉसिबल है ना, 24 और 0 हो सकता है, 23 और 1 हो सकता है, 22 और 2 हो सकता है, तो 50 कॉम्बिनेशन है, तो बट दो नंबर ऐसे बताओ कि उनका जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो मैक्सिमम, सेट 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, बात खत्म। सिंपली जब भी इस दो नंबर का सम दिया हो और प्रोडक्ट मैक्सिमम कर रहा हो दोनों को बराबर मार दो, तीन नंबर भी हो सकता है कि तीन नंबर का सम दिया हो, जरूरी कि दो ही हो, तीन नंबर का सम दिया हो और उन तीनों का प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम चाहिए, सीधा बराबर मार, ठीक है, ओके। इसको छोड़ते हैं यहीं पे, अगर कोई करना चाहे तो सिंपल समान ले, एक नंबर एक्स और दूसरा नंबर ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, और प्रोडक्ट क्या हो गया एक्स इंटू 24 माइनस एक्स, यानी कि जो प्रोडक्ट हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर, अब सिंपल इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बस खत्म, डीपी बाई डी एक्स 24 माइनस 2x एंड एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2x, सो y इक्वल टू 2, खत्म। तो जब भी दो ना उल्टा दे दे, मान लो कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट दे दे, ठीक है ना, कि वो मैक्सिमम है और ये मिनिमम चाहिए, तब भी बात वही होगा, उल्टा भी तो दे सकता है ना, कि दो नंबर का प्रोडक्ट दे दिया कि 240 है, अब वो उसको या मतलब कि 240 को ऐसे कर सकता है कि दो नंबर में ऐसे ब्रेक करो तो उनका सम मिनिमम हो, तो बात तो यही है, मैं दो ऐसे इसके फैक्टर निकालूं जिसका सम मिनिमम हो, तो फैक्टर क्या मतलब, अगर एक एक्स और दूसरा वाई है तो इनका प्रोडक्ट 240 होना चाहिए, तो या तो सम मिनिमम देख के प्रोडक्ट मैक्सिमम पूछेगा या प्रोडक्ट दे करके और उनका सम मिनिमम पूछेगा, बात एक ही हो गया, दोनों केस में बराबर बराबर बांटो। अच्छा उल्टा भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि दो ही नंबर हो, ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसी चीज को घुमा फिरा के पूछेगा, एक और लिखता हूँ, चलो क्या हो गया कि एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव नंबर ऑफ कोर्स, और एक्स वाई क्यूब हमें क्या चाहिए बच्चों, मैक्सिमम, शॉर्टकट से बताओ कैसे हो,
दो नंबर ऐसे चुनो कि उनका सम 60 हो और एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम है, नॉट एक्स वाई. एक्स वाई होता तो दोनों को बराबर बराबर बांट देता, 30 और 30 हो जाता, लेकिन एक्स वाई क्यूब दिया हुआ कि मैक्सिमम. अब कैसे करेंगे सर? 15 50 या 15? 15 सर. 50 15 सर. हाँ हाँ. तो देखो इसको ऐसे देखो, एक्स वाई क्यूब आपको मैक्सिमम पूछ रहा ना, तो एक्स वाई क्यूब को ऐसे देखो, एक्स वाई वाई वाई, यानी कि मेरे पास चार नंबर है और उन चारों का प्रोडक्ट क्या हो चाहिए? मैक्सिमम, यही ना. जैसे पिछली बार एक्स वाई मैक्सिमम चाहिए था दो नंबर, दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम, उसी तरह मैं एक्स वाई क्यूब को ऐसे देख रहा हूँ, एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, तो चार नंबर का प्रोडक्ट क्या चाहिए? मैक्सिमम. तो चार पार्ट में बांटना पड़ेगा, तो 60 को चार पार्ट में उन्होंने बांटा, तो 15 15 15 15, तो एक एक्स को 15 दे दिया और ये क्या हो गया? 3 बार 15, यानी कि वाई कितना हो गया? 45. समझ में आया? तो ये कितना है? 4 नंबर्स. ठीक है, तो 60 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 15, तो एक 15 जाएगा एक्स को और एक 15 जाएगा वाई को. तो एक 15 जाएगा वाई को, तो वाई तो सब बराबर ही है ना, तो वो लोग तो एक ही परिवार के, तो मिक्स हो जाएंगे. तो एक्स कितना हो गया? 15 और वाई कितना हो गया? 45. तो ऐसे अलग अलग भी दे सकता था मैं. मान लो कि पूछ रहा था एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, अब बताओ. चलो इसे कॉपी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मुझे चाहिए था. 12 हो जाएगा सर. तो x का 2 हिस्सा और y का 3 हिस्सा, तो टोटल जायदाद के कितने टुकड़े होंगे? 5 टुकड़े. अब 65 बटेगा तो कितना हो गया? 12. तो 2 हिस्सा x को जाएगा, 24. ठीक है, तो 12 दो बार जाएगा x के पास और ये जाएगा इसके पास, तो 24 and 36. डन. तो ये सब क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर लोगे ना. ऑफिशियली कर अगर करने को कहा जाएगा तो कुछ भी नहीं है. एक एक्स तो एक्स से रहेगा, वाई कितना हो जाएगा? 60 माइनस एक्स. तो एक्स तो एक्स से रहेगा, वाई की जगह 60 माइनस एक्स पुट कर देंगे, प्रोडक्ट है यूवी लगा करके जीरो करके एक्स की लगवा दे. तो हमें तो वो तो चाहिए ही नहीं ना, हमें तो शॉर्टकट चाहिए कि बस देखा आंसर कर दिया, देखा आंसर कर दिया. ठीक है, तो इस टाइप का तो क्वेश्चन बच्चों कर लोगे ना. ये सर नो बोलो सभी लोग. सलोनी लेट काफी ज्वाइन किए, क्या बात हो गया? हेलो. और दूसरा शॉर्टकट बताता हूं कि जब भी ज्योमेट्रिकल कोई शेप दिया जाए और उसमें आपको मैक्सिमम बोला जाए, हाँ जब भी क्या है कि आपको कोई ज्योमेट्रिकल शेप दिया जाए और उसमें मैक्सिमम या मिनिमम बोला जाए, तो जो सबसे बढ़िया सुंदर वाला शेप होगा वही मैक्सिमम या मिनिमम होगा. क्या मतलब सर? क्या सुंदर वाला शेप? देखो अभी ये वाला चीज तो क्लियर हो गया ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्लियर हो गया. अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक और क्वेश्चन पे आते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चन का तो सीधे शॉर्टकट बता देता हूँ और बड़े क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा झोल रहता है. तो एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपको कि प्रूफ करो, अब शेप पे आ जाते हैं. ठीक है ना, और रेक्टेंगल ऑफ ए गिवन एरिया. ठीक है ना, द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरेंट्स. क्या मतलब हो इस क्वेश्चन का? कि आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल का एरिया फिक्स दे दिया. मैंने कहा कि कोई भी एक रेक्टेंगल ऐसा बनाओ जिसका एरिया 60 हो. तो सब लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं. सौरभ क्या करेगा? L 60 ले लेगा और B 1 ले लेगा. ठीक है ना, पंकज क्या करेगा कि L 30 ले लेगा और B 2 ले लेगा. कृष्णा को अलग कर सकते हैं, L 20 और B 3, अपना अपना स्टाइल है. सलोनी मान लो कि L ले लिया 10, B ले लिया 6, सबका एरिया 60 है. कुछ और कर सकते हैं. ठीक है ना, बहुत तो तरीके हैं. 15 और 4 कर सकते हैं, 4 और 15 जरूरी नहीं कि हर बार L ही बड़ा, उल्टा भी कर सकते हैं लोग. तो कहने मतलब कि 60 एरिया बोल दिया तो 200 रेक्टेंगल बनाए जा सकते हैं, कितने भी बनाए जा सकते हैं, है ना. तो अब
सबका वो रेक्टेंगल सब अलग अलग है, सारे रेक्टेंगल अलग अलग है ना। निकटा मान लो कि कुछ और निकटा ले लिया, एल 5 और बी कितना हो गया 12, तो सबका पेरीमीटर तो अलग आएगा ना। पहले वाले का पेरीमीटर क्या आ जाएगा, एल प्लस बी 61 इंटू टू, ठीक है। दूसरे वाले का पेरीमीटर कितना आएगा, एल प्लस बी 32 इंटू टू 64। इसका पेरीमीटर आएगा 20 प्लस 3, 23 इंटू टू। तो ऐसा भी तो होगा ना कि किसी बच्चे ने लिया कि एल भी 30 और बी भी 30, लेंथ और ब्रेथ दोनों 30 है तो रेक्टेंगल ही ना, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। तो इसका पेरीमीटर सबसे कम। तो अब अगेन बात वही आ गई, ठीक है। बात क्या आ गया, वही आ गया कि जैसे एक ज्योमेट्रिकल शेप दे करके एक फिक्स चीज दे दिया कि एरिया फिक्स ही रखना है, इसी एरिया में तुमको अलग जिस टाइप का बनाना है बनाओ, तो जो सुंदर होगा, सुंदर मतलब हर तरफ से सिमेट्रिक होगा, कहने का मतलब ये, तो उसका एरिया या तो मैक्सिमम हो रहा होगा पर्टिकुलर किसी केस में या मिनिमम होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मिनिमम, क्योंकि रेक्टेंगल में सबसे सुंदर कौन होता है, स्क्वायर। तो जैसे ही वो स्क्वायर बनेगा तो डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ मैक्सिमा या मिनिमा को अचीव कर, तो शॉर्टकट क्या हो गया, 30 30। जैसे ही देखा दोनों साइड को बराबर करो, प्रॉपर तरीके से करना होगा, तो कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। सबसे पहले देखो जिसको भी मैक्सिमा या मिनिमम करना है, सब कुछ छोड़ दो, पहले उसको देखो आपको क्या करना है। स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, सबसे पहले पेरीमीटर लेना है ना, मतलब जो पेरीमीटर सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो स्क्वायर होगा। तो जो पूछा हो सबसे पहले उसको हिट करो। पूछा क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर को हिट करो। P इक्वल टू क्या होगा, बस खत्म। P इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। अब लेकिन या एक्स प्लस वाई ले लो, ठीक है, क्योंकि तो आपको वेरिएबल क्या था, या एल प्लस बी। तो अगर मैं डीपी बाई डीएल निकालूं कि डीपी बाई डीबी निकालूं, ये दिक्कत है ना। तो जो पूछा हो पहले उसको लिख दो, तो लिख लिया। अब इसमें लेकिन हमें क्या चाहिए, एक ही वेरिएबल चाहिए, बस इतना ही काम करना है कि जिसको भी मैक्सिमा या मिनिमा करना है पहले वो लिख लो और उसमें सिंगल वेरिएबल करो। और वो सिंगल वेरिएबल कैसे अचीव होगा, गिवेन से। गिवेन क्या है बताओ, एरिया इक्वल टू 60। एरिया की जगह मैं क्या लिख दूं, एल इंटू बी इक्वल टू 60। अब किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर लो, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 अपॉन एल। तो यहां पे मैं बी की जगह क्या रख दूं, बस खत्म क्वेश्चन। अब देखो ना, एक वेरिएबल हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ना। जैसे देखिए ना, ये क्वेश्चन दिया था ना शुरुआत में, एकदम सबसे इजी क्वेश्चन, देखो कुछ भी तो नहीं था उस क्वेश्चन में, कुछ भी था क्या, बस बस एक इक्वेशन दिया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है, डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू जीरो किया। तो अब ये जो कांड करेंगे, ये कि एक जार के अंदर ये ऐसा रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वो सरफेस एरिया है, कुछ भी पूछे बकवास, कोई मतलब नहीं। अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, एक दो वेरिएबल रहेगा, उस वेरिएबल को रिप्लेस करना रहेगा, इतना ही काम रहेगा और कुछ भी नहीं। बस आप इतना ध्यान रखना कि अल्टीमेटली मुझे ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन करने की आदत है। इसी क्वेश्चन में फायदा क्या है, एक वेरिएबल है, डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया, तो बस यही करना। तो सबसे पहले देखा पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ठीक है, एल प्लस बी। दिक्कत क्या है, एल और बी दो वेरिएबल, किसी एक को हटाना पड़ेगा, या तो भैया एल हट जाओ या तो भैया बी हट जाओ। अब वो कैसे हटेगा, गिवन से। गिवन क्या दिया है, एरिया 60, एरिया की जगह एल इंटू बी, बी की जगह 60/L लिख लो या एल की जगह 60/L लिख लो, पेरीमीटर आ गया, सिंगल वेरिएबल। अब बस वही हर बार का वही तो कहानी है, डीपी बाई डीएल, ट्वाइस ऑफ एल का डेफिनेशन 1 और 1, 60 तो 60 ही रहेगा, -1 और अपॉन एल स्क्वायर। अब डीपी बाई डीएल 0, तो ये चीज क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ, चाहे मैं एक मिनट, एल की पावर कितना है, -1, तो -1 नीचे आके एल 2 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। अब इसको क्या करोगे, ये इधर जाएगा, ये तो रूट 60, एक मिनट, तो ये आ गया। अब एल की जगह ये पुट किया,
एरिया कितना था 60 इंटू बी इक्वल टू 60, ठीक है। तो 2√15 इंटू बी इक्वल टू 60, तो बी कितना आ गया 30, और 30 से डिवाइड करेंगे तो 15 को, तो 2√15, तो एल इक्वल टू बी इक्वल टू 2√15 ऐसे सूत्र। तो जब भी ज्योमेट्रिकल शेप आए तो पहले तो शॉर्टकट से करना हो, तो जो सबसे बेस्ट शेप होगा, मतलब जो सबसे सिमेट्रिक होगा, वहां पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा। दूसरी चीज जो पूछा है उसका एक क्वेश्चन करो ना, उससे हो जाएगा। एक क्वेश्चन देता हूँ, वॉल्यूम से रिलेटेड काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह सरफेस एरिया फॉर्मूला याद है ना, टेंथ वाले कौन सा सरफेस एरिया वॉल्यूम के, वो तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हेलो, यस सर, मीन वैल्यू थ्योरम नहीं चाहिए। अच्छा, कभी कभी उल्टा पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कितना होगा, तो ध्यान रखना थोड़ा उस पर क्वेश्चन में। उसमें एक आध जगह मैंने देखा है क्वेश्चन में धोखा देने की कोशिश किया, वो मैं पेपर वो नहीं होगा तो असाइनमेंट में डाल। दो तीन क्वेश्चन मैंने सेव कर रखे होते इसमें का, इसमें अच्छा इस बार जो टेस्ट पेपर होगा ना, उसमें आपके ये टेंजेंट नॉर्मल, हालांकि लोग पढ़ लेंगे तब तक, बट फिर भी टेंजेंट नॉर्मल नहीं आ रहा, यही मैक्सिमा मिनिमा तक ही आ रहा है आपकी इसमें संडे टेस्ट को और स्टार्टिंग से, मतलब एप्लीकेशन डेरिवेटिव में जितना पढ़ा है ना वो सब आ रहा है। कुछ भी सिंबॉलिक लिख रहा हूँ मैं, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं उसके बाद क्वेश्चन को कट पेस्ट करके यहाँ पर दूंगा, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीएसई का 2016 का, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सिलेंडर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, एक सिलेंडर है गिवन वॉल्यूम कह दिया, मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। चलो मैं लिख लेता हूँ, वॉल्यूम इक्वल टू वी, ठीक है, और ओपन से टॉप है, ठीक है ना। मिनिमम टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइडेड इट्स हाइट, तो मिनिमम सरफेस एरिया चाहिए, इसका वॉल्यूम वी फिक्स है, ठीक है। एक सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या है, वी फिक्स है, ठीक है, और मिनिमम क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, एक और इसमें ओपन फ्रॉम टॉप। आपको बताना है कंडीशन फॉर मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, मतलब जो हाइट जो है वो रेडियस के डबल होगा या हाइट रेडियस के इक्वल होगा, कंडीशन का मतलब ये होगा। उसमें हालांकि लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ कंडीशन लिखा हूं, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि प्रोवाइडेड इट्स हाइट इक्वल टू ट्वाइस या हाफ या इक्वल, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ट्राई करो। वॉल्यूम आपको वी दे दिया कांस्टेंट है, यानी कि तुमको कुछ वॉल्यूम फिक्स रखना है। मान लो कि 100 वॉल्यूम रख लिया, तो 100 वॉल्यूम ऐसे भी बनाया जा सकता है, 100 वॉल्यूम ऐसे भी बनाया जा सकता है, और एकदम बिल्कुल ऐसा भी बनाया जा सकता है। सॉरी मतलब ज्यादा ही ये हो गया, थोड़ा और पतला करो फील हो। तो इन सबका वॉल्यूम कितना है, 100 है, लेकिन सबका सरफेस एरिया तो अलग अलग है ना। तो वॉल्यूम 100 रखते हुए मुझे सरफेस एरिया क्या रखना है, मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, जो कि ओपन ऊपर से खुला हुआ, तो क्या कंडीशन होगा, हाइट और बेस का क्या रिलेशन होना चाहिए बताओ। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले क्या है,
जो पूछा हो, जिसके बाद देखो क्या पूछा गया है आपसे, इसको छोड़ करके बाकी सबको भूल जाओ, तुम ऐसे सोचो कि इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा, वॉल्यूम इक्वल टू वी है ना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो वी की जगह मैं थोड़ी देर के लिए 100 रख रहा हूं, क्यों? क्योंकि वी फीलिंग आएगा नहीं कि ये कॉन्स्टेंट है, हर बार आएगा कि अरे यार एक वेरिएबल तो है, एक वेरिएबल तो है, तो थोड़ी देर के लिए मैं वी की जगह क्या रख देता हूँ, 100, ठीक है ना। तो एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम गिवन है, ऊपर से खुला हुआ है, तो हाइट और बेस में क्या रिलेशन हो ताकि मिनिमम टोटल सर्फेस एरिया हो, सारे क्वेश्चन को भूल जाओ, बस तुम देखो पूछा क्या है, मिनिमम टोटल सर्फेस एरिया। तो सबसे पहले टोटल सर्फेस एरिया का मुझे फॉर्मूला बताओ, टोटल सर्फेस एरिया को मैं सिर्फ टी लिख रहा हूँ, तो बताइए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πRh, 2πRh और प्लस πR स्क्वायर, क्यों 2πRh प्लस πR स्क्वायर क्यों किया, तो 2πRh हो गया चारों तरफ से, और एक बेस भी तो चाहिए ना, तो ऊपर से क्लियरली लिखा हुआ है ओपन फ्रॉम टॉप, तो साफ साफ बोल रहा है वो कि तो इधर से भरा हुआ है और एक नीचे से भरा हुआ है और ऊपर से खुला हुआ है, तो चारों तरफ से 2πRh हो गया और टॉप से। अब सिंपली देखो हमें एक वेरिएबल चाहिए, बात खत्म, टी इक्वल टू 2πRh दिया, तो सिर्फ आर देखो टू कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, इधर बची आर एच, पाई कॉन्स्टेंट है आर स्क्वायर, तो एक जगह है आर एच और एक जगह है आर स्क्वायर, तो घुसा ना कहीं दो वेरिएबल, और हमें क्या चाहिए जैसा पहला क्वेश्चन किया, तो पहले क्वेश्चन में क्या था, एक ही सिर्फ एक्स 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 था, तो या तो सिर्फ आर 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 हो या सिर्फ एच 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 हो, तो एक तकलीफ कौन दे रहा है, एच, तो उसको हटाएंगे, कैसे हटेगा वो बोलो, कैसे हटेगा, गिवन से, गिवन क्या दिया हुआ, वॉल्यूम एरिया कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम का मतलब यानी कि h इक्वल टू 100 अपॉन पाई, अब बस उसमें कुछ करो, वो कितना भी कॉम्प्लेक्स दिखे उससे मतलब नहीं, तो 2 पाई r तो r ही रहेगा, h की जगह 100 अपॉन पाई r स्क्वायर और प्लस पाई r स्क्वायर, कुछ कट पिट रहा है क्या, पाई पाई कट गया, एक r कट गया, तो कितना हो गया 200 अपॉन r हो गया ना, ठीक है, और प्लस अब खत्म, अलग अलग रेडियस पे अलग अलग क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा, दैट इज व्हाई टोटल सरफेस एरिया किससे कनेक्टेड हो गया, रेडियस के टर्म में, डिफरेंशिएट करो इक्वल टू जीरो करो, इक्वल टू जीरो करते ही एक आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की जैसे ही वैल्यू आएगी पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है, आर पुट करते ही एच आ जाएगा, पाई और आर में कनेक्शन आ जाएगा, एच इक्वल टू आर, बस एच इक्वल टू आर, हाइट और रेडियस अब इक्वल होता है तो टोटल सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया प्लस बेस, वो मिलके क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो फिर, ये यहां से कर लोगे ना, या फॉलो अप करके दिखाऊं हो जाएगा, चलो करें, डीटी सर नोट्स भेज दोगे ना, फिर अपलोड कर दोगे ना, इतना एक मिनट क्या बोला, नोट्स अप सर, ये जो क्लास में करा रहे हो वो अपलोड कर दोगे ना, नोट्स अभी अपलोड कर दूंगा, एक तो मैं कर ही चुका हूँ ये वाला, इसके पहले वाला ये अभी कर रहा हूँ, तो डीटी बाई डीआर निकाल लो फटाफट, और क्या, अरे क्या हो जाएगा बताइए, आर की पावर -1 नीचे उतरेगा और आर की पावर 2 और प्लस 2πr, ठीक है, तो 2b मैक्स मिन क्या, तो 2πr -200 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये चीज कब अचीव होगा, जब 2πr इक्वल टू 200 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, तो उधर क्या हो जाएगा, और ये 2πr है ना, हाँ, और 200 r की पावर -1 नीचे उतर, r की पावर -2, ठीक है, और ये r क्यूब इक्वल टू एक तो कितना हो गया 100 अपॉन पाई, तो ये r क्यूब की वैल्यू आ गया, r की पावर कितना हो जाएगा 100 अपॉन पाई की पावर 1/3, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये रहने दो, कितना भी अजीब दिखे
उसको देख के घबराना नहीं। तो आर क्यूब आ गया इतना, तो चलो लिख भी लो एक मिनट के लिए। चलो आर इक्वल टू 100 अपॉन पाई की पावर 1/3। अब देखते हैं एच की वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन पाई की पावर 2/3, क्योंकि आर कितना है 1/3, तो जब स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो 1/3 का स्क्वायर 2/3 इंटू एच इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये अगर एच आ गया आपका 100 अपॉन पाई इंटू पाई की पावर 2/3 और 100 की पावर 2/3, समझ में आया। तो एच इक्वल टू 100 ऊपर जाएगा तो 1 - 2/3, तो 100 की पावर कितना हो गया 1/3, और नीचे पाई आके माइनस होगा तो पाई की पावर 1/3, तो 100 अपॉन पाई की पावर। ये समझ में आया ना कैसे किया, ये पाई का पावर अधर नीचे आके देखो ना, ऊपर पाई है 2/3 और नीचे पे है पाई, तो नीचे पाई की पावर कितनी है 1, तो सेम बेस होगा तो पावर ऊपर से नीचे आके माइनस होगा ना, तो 1 - 2/3 1/3, और सेम 100 में वो 100 नीचे 2/3 है, ऊपर जाके 100 से माइनस हुआ, ऊपर वाले 100 पे पावर है 1, तो 1 - 2/3 1/3, तो एच भी इतना ही आ गया और आर भी इतना ही आ गया, तो सो रेडियस इक्वल टू हाइट। ठीक है, अच्छा मान लो कि ये चीज दिया हुआ, एक मिनट, ये चीज आपको गिवन है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच सीखना है ना, क्या बोला था पिछली क्लास में, कोई भी क्वेश्चन आए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जब अगर ऑप्शन दिया हुआ तो एमसीक्यू अप्रोच एमसीक्यू अप्रोच एमसीक्यू अप्रोच। ठीक है, तो अब देखो मान लो ये क्वेश्चन आपको दिया होता, ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है और अलग अलग दिया, जैसे एच इक्वल टू 2R दिया है, एच इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एच इक्वल टू 2R दिया है, एच इक्वल टू आर दिया है, आर इक्वल टू एच इक्वल टू आर बाई 2 दिया है, रन ऑफ दिस दिया है, तो आप कैसे करते हो ऑब्जेक्टिव अप्रोच, बोलो। हेलो, अगर मान लो चार ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है कंडीशन, एक में h इक्वल टू r, दूसरा में h इक्वल टू 2R और तीसरा में h इक्वल टू 3R, तो कैसे करते बताइए। हेलो, सिंपली एक बार h इक्वल टू r मान लेते, ठीक है, तो अगर h इक्वल टू r मान लेते क्या हो जाता, पाई आर क्यूब इक्वल टू 100 ना, पाई आर क्यूब इक्वल टू 100 आया, तो r की वैल्यू 100/3 आ गया, फिर h की वैल्यू 100/3 आ गया, फिर सिंपली सरफेस एरिया निकाल के देख लेते, चार बार सरफेस एरिया निकलता, अपने आप सबसे छोटा किस केस में लिख जाता, बात खत्म। चलो अब एक और क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी। इसी जैसा है बस थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट, ठीक है, इस पर उल्टा करते हैं, वॉल्यूम दे देते हैं फिक्स और हमें सरफेस एरिया फिक्स दे देते हैं और हमें वॉल्यूम क्या चाहिए, वो ग्रेटेस्ट चाहिए, उल्टा कर देते हैं। सिंपली पिछली बार वॉल्यूम फिक्स दिया हुआ था और सरफेस एरिया मिनिमम चाहिए था, इस बार क्या करते हैं, सरफेस एरिया फिक्स करके वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, सेम चीज। ये क्या है, एक सिलेंडर है, चलो क्वेश्चन ही पूरा ले लेता हूँ, नहीं तो फिर तुम लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या है। तो शो दैट हाइट ऑफ ए सिलेंडर तो फ्लाइन बस एक बोर्ड पे पूरा लिखते थे ना, विच इज ओपन एट द टॉप, हैविंग ए गिवन सरफेस एरिया, जब भी लिखते गिवन सरफेस एरिया, या मैं चलो सॉर्ट आउट कर रहा हूँ थोड़ा, हैविंग सरफेस एरिया इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं तो कंफ्यूजन नहीं, इसमें मैंने 100 लिख दिया लेकिन वो कह देगा हैविंग ए गिवन सरफेस एरिया, गिवन सरफेस एरिया मतलब तो कुछ फिक्स है, 10 है तो 10 ही है, 20 है तो 20 ही है, 50 है तो 50 ही है, वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट
व्हेन रेडियस इक्वल टू बेस, ये प्रूफ करना है। एक मिनट, इसमें टॉप हैविंग से वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस व्हेन, या फिर ग्रेटेस्ट एक कोमा दे करके सिंपली इस पे फोकस कर लिया, हाइट फिर कॉमा देकर के बीच की पूरी कहानी है। एक सरफेस एरिया फिक्स आपको 100 दिया हुआ है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब रेडियस क्या होगा, हाइट के इक्वल। सिंपली जो भी आपको ग्रेटर ये मैक्सिमम मिनिमम बोले, पहले उसके फॉर्मूले से स्टार्ट करो। किसको ग्रेटेस्ट करना है, सब कुछ भूल जाओ, पूरा क्वेश्चन भूल जाओ कि क्या गिवन है नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करो किसको, मुझे कुछ नहीं पता, वॉल्यूम आपको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट। तो v इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बस ये ग्रेटेस्ट है। अब इसमें एक छोटा सा पंगा है, क्या पंगा है बताओ। हेलो, ये वॉल्यूम गिवन है, मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ग्रेटेस्ट। तो सिंपली अगर मैं कहूं y इक्वल टू 5x³ + 7x² + 8x + 9, मुझे y मैक्सिमम चाहिए, तो क्या करोगे बताओ, बताइए। ये मैं दे करके अगर पूछूं कि मुझे y मैक्सिमम चाहिए तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहां पर डिफरेंशिएशन आसान है क्योंकि एक ही वेरिएबल में, सिंपली जैसे y मैक्सिमम चाहिए था तो इसको डिफरेंशिएट किया ना, उसी तरह वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए तो पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। पाई आर स्क्वायर के साथ क्या गड़बड़ी है बताइए। हेलो, यहाँ पर आर भी है और एच भी है, दो वेरिएबल है ना, तो गिवन से का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बस एक छोटा सा काम क्या करना है, या तो R को हटा उसकी जगह H पुट कर दो, या H को हटा उसकी जगह R, यानी कि पूरे में R दिखना चाहिए या H, पाई से तो कोई दिक्कत ही नहीं, कॉन्स्टेंट। तो कुछ नहीं, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, सीधे पहले उठाया क्या करना, क्या करना क्या, तो वॉल्यूम ग्रेटेस्ट चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करके 0 करो, नहीं सर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, वेरिएबल 2 है। अच्छा ओके, वेरिएबल 2 है, ठीक है, एक वेरिएबल बनाते हैं, और एक वेरिएबल कैसे बनेगा, हमेशा जो गिवन हो, जैसे पिछली बार क्या गिवन था, वॉल्यूम गिवन था, इस बार क्या गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। तो बस जो गिवन रहेगा ना उसके हेल्प से वो चीज पलटेगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होगा बताइए, पाई आर स्क्वायर, साफ साफ लिखा हुआ है, ओपन एट पाई आर एच, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRh + πR² और सरफेस एरिया तो 100 है, हमें h को पलटना है, या तो सिर्फ आर रहे या सिर्फ एच एच रहे, तो r पे स्क्वायर है तो उसकी जगह h को ही पलटो, नहीं तो r के स्क्वायर में टेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो 100 - πR² और अपॉन 2πR = h, बस h की जगह ये पटक दो, एच के जैसे ही पटका सिर्फ आर 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 दिखने लगा, तो डिफरेंशिएट करो इक्वल टू 0 करो। तो क्वेश्चन इस टाइप का दे तो बिल्कुल नहीं घबराना है, पाई आर स्क्वायर, एच की जगह क्या आ जाएगा, 100 - πR² अपॉन 2πR, बस कैंसिल आउट करो, पाई को पाई से कैंसिल आउट कर लिया, आर को आर से कर लिया, आर अपॉन 2 इधर बच गया, इंटू कर लो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना, आर को इंटू कर लो, तो 100 / 2 कितना जाएगा, 50 आर, और माइनस ये कितना जाएगा, आर को करोगे तो 5/2 आर,
अब डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर लो, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू पुट करके निकल जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखो कितना हेवी था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड, सबसे पहले बच्चों एकदम आपको इजी लगेगा क्या करना है, जो पूछा है उसको लिखना है। उसमें पक्का दो वेरिएबल रहेगा, या हो सकता है कभी तीन वेरिएबल भी रह जाए। तो अगर तीन वेरिएबल भी आ गया तो बस हमें उसको सिंगल वेरिएबल बनाना, किसी दो को तो हटाना ही पड़ेगा। और वो दो कैसे हटेगा, सिंपली जो गिवन है, जैसे इसमें सरफेस एरिया गिवन दे दिया, ऐसा कुछ ना कुछ दिया रहेगा, तो बगल में जो दिया है उसको उठाओ, अलट पलट के इसमें पुट कर दो, एक छोटा सा इक्वेशन बन जाएगा, बस डीवी बाई डी आर निकालो, बस खत्म, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू को पुट करके एच की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट। ओके, तो मैं नोट्स अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली क्लास में भी जब होता है ना, एक क्वेश्चन करोगे क्या आप लोग, इसमें थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ, मैं पूरा कर दूंगा, एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ और फिर छुट्टी करते हैं। 40 हो गया क्या, 10 मिनट एक्स्ट्रा हुआ है ना, कर सकते हो ये क्वेश्चन, कर लो, इसी बहाने सीख जाओ, या होमवर्क देता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, मैं ये भेजता हूँ, क्या कहा जाता है, डीपीपी अभी भेज रहा हूँ मैं, तो 10 क्वेश्चन का पक्का अभी डीपीपी भेज रहा हूँ, ठीक है, राइट नाउ नोट्स अपलोड करूंगा और फिर डीपीपी भेज दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ग्रुप में डायरेक्टली पीडीएफ ही भेज रहा हूँ, तो कल भी क्लास है तो आप लोग सोल्व करके आओगे उसको, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है कि थोड़े से बड़े होते हैं, तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस में क्लास थोड़ी सी लगती है कि हेक्टिक जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस है ना जिसमें कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। डन, तो ज्यादा बेटर है कि आप लोग क्वेश्चंस करो एज ए प्रैक्टिस, जहां पे दिक्कत होगी वहां पे फिर क्या करेंगे अगली क्लास में पूछ लेंगे 10 क्वेश्चन का, क्योंकि 10 क्वेश्चन का क्लास में कराऊंगा ना 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं हो पाते इस टाइप के, तो 10 क्वेश्चन का डीपीपी दे रहा हूँ, अभी आप लोग तुरंत ही कर लेना, क्योंकि अभी नहीं करोगे कल स्कूल, स्कूल से आओगे एक घंटे बाद क्लास, अरे भूल गए, खत्म। तो राइट नाउ 10-15 मिनट में आपके ग्रुप में आएगा एक पीडीएफ, 10 क्वेश्चंस होगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बस क्या करना है, जो पूछा है उसका फॉर्मूला उठाना है, रिप्लेस कर देना है, सिंगल फॉर्मूला बना देना है, कैसे, गिवन की हेल्प से, डिफरेंशिएट करो, जीरो करो, मैक्सिमम, ठीक है, ओके, यस सर। डन बच्चों, चल। और हाँ, कुछ लोग आज लेट हो गए थे, क्लास लेट मत हुआ करो, 5:30 मतलब 5:30 ज्वाइन कर लो, कल तो 7 बजे है ना, तो 7 बजे से ज्यादा लेट, तो ये नहीं कि 7:05, 7:10 पे ज्वाइन करें, नहीं, 7 बजे एकदम ज्वाइन कर लेना, 7:05 होते होते हम लोग क्लास शुरू कर दो, हार्डली 3-4 मिनट उठता हूँ मैं, ठीक है। पहले ज्यादा देर इसलिए रुकते थे क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं था कहाँ लिंक है कहाँ क्या, अब तो आप लोग हैबिचुअल हो चुके हो ना, तो मैं समझ गया, ठीक है।